आपने भी ज्ञान प्राप्त किया, किसी आशय से भगवान की शरण में रहकर भी आपका मन शांत नहीं हुआ। आप प्रतियोगिता करते रहे कहीं दूर बैठे अर्जुन के साथ। मैं लौटूंगा, पर इतना विश्वास दिलाकर जाता हूँ कि मैं भारतवर्ष का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनकर लौटूंगा और आपके सभी शिष्यों से श्रेष्ठ बनूंगा मैं। ज्ञान प्राप्ति का आपका आशय ही अनुचित था तो इस विद्या का विस्मरण कैसे नहीं होता अंगराज? कैसे नहीं करता मैं प्रतियोगिता वासुदेव, कैसे समझौता कर लेता अपने जीवन के साथ? ये समाज निरंतर ही मेरी संभावनाओं को कुचलता रहा है, मेरी शक्ति को सम्मान नहीं दिया, मेरे स्वप्नों को स्वीकार नहीं किया, सदा ही सूत पुत्र कहकर अपमानित करता रहा है मुझे। अपने पिता की बात मान लो, क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि सूत में सामर्थ्य नहीं होता। ईश्वर की दी हुई संभावना मनुष्य का अधिकार है वासुदेव, और यह समाज किसी को उसके अधिकार से किस प्रकार वंचित कर सकता है? अवश्य ही ये घोर अपराध है राधे, जाति पाति का भेद करना और इन मिथ्या भेदों के आधार पर किसी मनुष्य को या समाज के किसी भाग को अधिकार से, अवसर से, संपत्ति से या सम्मान से वंचित रखना मानवता के विरुद्ध है। तो फिर मेरा क्या दोष है वासुदेव? यदि मेरे मन में असंतोष जन्मा, यदि मैंने प्रतियोगिता की, यदि मैंने बलपूर्वक अपना अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न किया, तो मेरा क्या दोष है वासुदेव? एक समय था अंगराज, जब कृतवीर के पुत्र कार्तवीर अर्जुन नाम के एक क्षत्रिय राजा ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। महर्षि के पुत्र ने क्या किया जानते हैं आप? उन्होंने अपनी पीड़ा में भी विचार किया कि क्यों उनके पिता महर्षि जमदग्नि की हत्या की गई, कहां फैला था अधर्म। उन्होंने अपनी पीड़ा का विस्मरण कर दिया, समग्र समाज की पीड़ा को अपना लिया और अधर्मी क्षत्रियों का नाश कर समग्र आर्यवर्त को शुद्ध करने को जीवन मंत्र बना दिया। वो केवल प्रतिशोध लेकर बैठते तो आज भगवान परशुराम नहीं कहलाते। राधे, आपको जो दुख और अपमान मिले वो वास्तविक थे, किंतु आप उन्हें अवसर बना लेते तो समाज का उद्धार होता और आपका कल्याण होता। आप जैसे शक्तिमान मनुष्य का आधार यदि अन्य शोषित और पीड़ित लोगों को मिल जाता तो कितने जीवन सुख से भर जाते। आपके पास संभावना भी थी, सामर्थ्य भी था और उस पीड़ा का अनुभव भी था, किंतु आपने अपना जीवन उन्हें समर्पित नहीं किया। आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया दुर्योधन को, जिसके पक्ष में केवल अधर्म था और कुछ नहीं। अब देखिए अपनी स्थिति, आप दुर्योधन के पक्ष में खड़े रहे, आप पांचाली के वस्त्र हरण जैसे पाप के भागी बने, आप अपनी माता का सम्मान नहीं कर पाए, अपने ही भाइयों के दो दो पुत्रों की हत्या की आपने और आज अपना धर्म गंवाकर, अपनी विद्या गंवाकर, अपना संतोष गंवाकर अपने ही अनुज के हाथों मरने के लिए सज खड़े।
आप यथार्थ कह रहे हैं वासुदेव। किंतु मैं मित्र दुर्योधन के उपकारों का विस्मरण नहीं कर सकता। कौन सा उपकार राधे? क्या आपसे मित्रता करने के पश्चात दुर्योधन ने समग्र हस्तिनापुर के सूतों और पीड़ित मनुष्यों को विद्या का अधिकार दे दिया? क्या उसने सारे पीड़ित और शोषित समुदाय को अपना लिया? नहीं नहीं राधे, उसने केवल अपने लाभ हेतु आपसे मित्रता की। आपके हृदय में अर्जुन के प्रति जो प्रतिस्पर्धा थी, उसके कारण आपसे मित्रता की। यदि आपने अपने दुखों का त्याग करके समाज के दुखों को अपनाया होता तो दुर्योधन की मिथ्या मित्रता का सत्य आप जान पाते। यदि दुर्योधन के हृदय में उपकार की भावना होती तो आप उसके माध्यम से संसार के पीड़ितों को लाभ करवा पाते। वास्तव में उसे सारे अधर्मों और अपराधों से मुक्त करवा पाते। किंतु आपने सत्य जाना ही नहीं। आप पर किए गए उपकारों का वास्तव में कोई मूल्य ही नहीं था। मैंने जीवन भर पीड़ितों और वंचितों को दान दिया है वासुदेव। अपनी संपत्ति में से अपने पास कुछ भी नहीं रखा। धन दान का वास्तविक लाभ दानी को होता है, दान प्राप्त करने वाले को नहीं। आपने यदि अपने सामर्थ्य का उपयोग अपने जैसे पीड़ितों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किया होता तो सबको लाभ होता राधे। आप कहते हैं कि समाज ने आपकी संभावनाओं का नाश कर दिया, किंतु ईश्वर द्वारा दी गई उन संभावनाओं का मूल्य तो आपने जाना ही नहीं। एक सत्य जान लीजिए, जो व्यक्ति समाज के लिए जीता है उसे स्वयं भी लाभ होता है, किंतु जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वो स्वयं को और समाज को दोनों को हानि पहुंचाता है। कुरुक्षेत्र में आज जो विध्वंस हो रहा है उसका कारण ना दुर्योधन है और ना ही मामा श्री शकुनी। ये पाप तीन महारथियों का है, महामहिम भीष्म, गुरुद्रोण और आप राधे। आप तीनों ने यदि अपने माने हुए धर्म का त्याग करके समाज के कल्याण का विचार किया होता, दुर्योधन को सहायता नहीं दी होती तो ये युद्ध भी नहीं होता। आप उचित कह रहे हैं वासुदेव। इस समाज को जितनी हानि अधर्मियों से नहीं होती उससे अधिक हानि धर्म जानने वालों की निष्क्रियता से होती है। इस महायुद्ध का पाप हमारे सर। अब समय है राधे, अपने दुखों को भूल जाइए, अपने अधर्म का त्याग कीजिए और अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लीजिए। इसी में समाज का और आपका कल्याण है राधे। मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूं वासुदेव।
मृत्यु का भी स्वीकार करता हूं। मेरी माता कुंती से कहिएगा कि वो मुझे क्षमा कर दे, और पाशाली से कहिएगा मैंने अपना रक्त बहाया है उसके अपमान के लांछन को धोने के लिए। उसे एक प्रश्न है वासुदेव, क्या मेरे सामर्थ्य का परिचय, मेरे सामर्थ्य का परिचय कभी भी नहीं हो पाएगा। राधे, जब आपके हाथ में धनुष नहीं, आपके रथ का पहिया भूमि में धसा और आपको अपनी विद्या का विस्मरण हो गया है, ऐसे अवसर का लाभ उठाकर आपका वध करना पड़ रहा है। यही आपके सामर्थ्य का प्रमाण नहीं?